नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम फिट प्रो स्मार्ट वॉच के जो डायल सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है कई लोगों को यहाँ पे फोटो लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है किन का डायल सेटिंग खुल ही नहीं रहा है ठीक है तो आज की इस वीडियो में वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे वॉलपेपर मैं लगा ही नहीं पा रहा था अपना फोटो लगा ही नहीं पा रहा था ठीक है तो मैंने क्या किया इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो मैं यहाँ पे फोटो आसानी से अब लगा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब मैं डायल चेंज करूंगा तो मेरा फोटो यहाँ पे लगा हुआ है मैंने फोटो लगाया डायल सेटिंग ओपन ही नहीं हो रहा था कई बार ओपन हो रहा था तो गैलरी ही नहीं खुल रही थी तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा और यहाँ पे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करके तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये जो ये स्मार्ट ब्रेसलेट है फ्रेंड्स ये जो कनेक्ट होता है वो होता है फिट प्रो ऐप से तो ये फिट प्रो ऐप ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए फिट प्रो ऐप को सबसे पहले आप ओपन कर लीजिएगा ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको कनेक्ट कर लेना है अपने स्मार्ट वॉच से ठीक है कनेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो कैसे कनेक्ट करना है या फिर कैसे बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर बहुत सारे इससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगे तो चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है फ्रेंड्स ऐप हमारा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से खुलता है यहाँ पे आप जब सेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर शो करता है आपका स्मार्ट वॉच कनेक्ट है या फिर डिसकनेक्ट है तो ये जो है मेरे वॉच का मॉडल नंबर है सात सा और यहाँ पे तो ये यह यहाँ पे कनेक्ट है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरीके से आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव का ठीक है फ्रेंड्स पहले कनेक्ट करना है बिना कनेक्ट किए अगर रिमूव कीजिएगा तो ये जो वॉच है वो रिसेट नहीं होगा आपको वॉच को रीसेट करना पड़ेगा और एप को भी रिसेट करना पड़ेगा इसका डाटा क्लियर करना पड़ेगा यही दो काम हमको करना है तो यहाँ पे जो है हमारा जो फोटो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा डायल सेटिंग जो है वर्किंग में आ जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ देखिए मैं डायल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है अभी वॉलपेपर हम आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो की गैलरी यहाँ पे खुल जाएगी तो मैं कोई सा भी फोटो यहाँ से आसानी से लगा सकता हूँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखिए यहाँ से टिक करूंगा यहाँ पे टिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे मुझे दो बार क्लिक करना रहेगा एक बार लोडिंग लेगा और ये हट जाएगा तो फिर मुझे क्लिक करना पड़ेगा तो हमें गॉट इट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे तो गॉट इट का ऑप्शन आ जाएगा तो हमारा जो है फोटो लगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही क्लिक करेंगे गॉट इट पर तो देखिए ऐसे मेरा बिल्कुल पहले नहीं हो रहा था फोटो का यहाँ पे डायल सेटिंग खुल ही नहीं रहा था ठीक है फ्रेंड्स तो इसको काटते हैं जब मैंने ऐप को बंद भी कर दिया था लेकिन फोटो यहाँ पे जो है मेरा चेंज हो गया है तो कुछ इस तरीके से आप फोटो लगा सकते हैं मेरा वर्किंग है अब देखिए वर्क कर रहा है आपका कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा मैं बताता हूं देखिए यहां पे जो रिमूव का ऑप्शन है ना सिंपली आपको रिमूव पे क्लिक करना है जैसे भी आप रिमूव पे क्लिक कीजिएगा कि तो यहाँ पे देखिए वॉर्न कर रहा है कि डिलीट ऑल डाटा एंड रिमूव डिवाइस तो यहाँ पे सारा डाटा आपका जो स्मार्ट वॉच में बहुत बार कनेक्ट डिसकनेक्ट किए हैं या फिर आपको कोई डाटा गलत बन गया है तो ये डाटा को रिमूव कर देगा तो एक बार आपको क्लियर करना पड़ेगा इसको ठीक है तो यहां पे आपका डिसकनेक्ट भी हो जाएगा और जो आपने फोटो लगाया है पहले से या फिर आपने नहीं लगाया है कोई दिक्कत नहीं है टाइम वाइम सब कुछ यहाँ पे आपका जो है एकदम नए जैसा हो जाएगा आपका स्मार्ट वॉच सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा ठीक है जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो चलिए कन्फर्म पे क्लिक करते हैं जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब डाटा रिमूव हो गया और डिवाइस डिसकनेक्ट हो गया है कनेक्ट नहीं है डिसकनेक्ट हो गया है ठीक है ये काम सबसे पहले आपको कर लेना एक बार ऑफ होके ऑन हो गया आपका देखिए टाइम इसका भी खराब हो गया है उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है आपको ऐप इन्फो में चले जाना है दो तरीके से आप जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिट प्रो पे तो आप ऐप इन्फो में चले जाइएगा यहाँ से या फिर आप फिट प्रो पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो अभी आप चले जाइएगा यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके ऐप इन्फो में या फिर आप सेटिंग से भी जा सकते हैं ठीक है तो ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलता है ठीक है सिंपली आपको स्टोरेज पे क्लिक कर लेना है स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन आएगा और डिलीट का ऑप्शन आएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको ये कर देना है डिलीट

उसके बाद फ्रेंड्स जो है आपकी डायल सेटिंग काम करने लग जाएगी ठीक है ऐसा करने से नहीं हो रहा है तो फिर कल भी ट्राई कीजिएगा जरूर हो जाएगा आपका ठीक है मैंने ये आपको बता दिया कैसे आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और डायल सेटिंग आपकी वर्किंग हो जाएगी